भूमिजा, नागार्जुन का खंड काव्य भूमिजा। भूमिजा को लेकर दो वीडियो बनाए गए हैं। इसका पहला भाग भूमिजा की कथा प्रसंग पर आधारित है। आइए सबसे पहले कथा प्रसंग को देख लेते हैं। भूमिजा, रचनाकार है नागार्जुन। भूमिजा में राम कथा प्रसंग। भूमिजा में नागार्जुन ने रामकथा को वैचारिक कसौटी पर परखने की कोशिश की है। खंड कविता भूमिजा में तीन प्रसंग दिए हैं। प्रस्तुत काव्य में भूमि से उपजी भूमिजा अर्थात सीता, जिसे अयोध्यावासी तक बर्दाश्त नहीं कर सकने की बात उल्लेखित हुई है। राम को लोक धर्म की कसौटी पर परखने की कोशिश भूमिजा में हुई है। नागार्जुन ने एक अच्छे जौहरी की भांति राम कथा के विविध प्रसंगों में से केवल तीन प्रसंगों को ही चुना है, जिसके माध्यम से रामायण को लोक धर्म की कसौटी पर परखने की वे कोशिश करते हैं। भूमिजा का पहला प्रसंग है, जब सारे राक्षस गण महर्षि विश्वामित्र को तंग करते हैं, यज्ञ में बाधा पहुंचाते हैं, तब महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास जाते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं, जैसे कि विश्वामित्र ने महायज्ञ आरंभ किया था, लेकिन रावण के अनुचर मारीच और सुबाहु इस यज्ञ में विघ्न डालते थे। उसी प्रकार उनकी माँ ताड़का वह भी उत्पात मचाने में पीछे नहीं रहती थी। बताया जाता है कि ताड़का किसी युग में सुंदर स्त्री थी, लेकिन मुनि के शाप से राक्षसी हो गई थी। उसका शरीर ताड़ जैसा लंबा, मुंह विकराल, शक्ल सूरत भयंकर, हाथ पैर डरावने, इनसे बचने के लिए महर्षि विश्वामित्र दशरथ के पास आते हैं और महायज्ञ को संपन्न कराने के लिए मदद मांगते हैं। वह कहते हैं कि अगर रामचंद्र उनके यज्ञों की रक्षा में तैनात रहे तो उनका यज्ञ संपन्न हो जाएगा। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ को समझाया कि उनका पुत्र साधारण नहीं है। राजा दशरथ ने वशिष्ठ को बुलाया, उनकी राय ली और अंत में निर्णय लिया कि राम के साथ लक्ष्मण भी विश्वामित्र के साथ जाएगा। जैसे कि राजा दशरथ ने अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के चरणों पर निछावर कर दिया, गुरु को, पिता को और माताजी को प्रणाम करके दोनों राजकुमार विश्वामित्र के साथ चलने लगे। उनके पास कोई सामग्री नहीं थी, केवल धनुष लटकाए लिए थे। उसी प्रकार तीरों से भरा तरकश पीछे बांध लिया था। रास्ते में दोनों पुत्रों को विश्वामित्र ने दो मंत्र बताए, बला और अति बला। इस मंत्र की विशेषता यह थी कि युद्ध में थकावट महसूस न होती और न स्फूर्ति की कमी। आगे चलकर उन्होंने सरयू नदी को पार किया, सरयू जो आगे चलकर गंगा से मिलती थी। उसके बाद विश्वामित्र का तपोवन इलाका आ गया। इन जंगलों में ताड़का का आतंक था। उसकी नाक इतनी तेज थी कि गंध पाकर भी वह अपने शिकार को ताड़ लेती थी। उसके आते ही महर्षि विश्वामित्र ने राम को उसे मार गिराने का आदेश दिया। राम ने ऐसा तीर छोड़ा कि वह गिर पड़ी और थोड़ी देर में मर गई। इससे विश्वामित्र को अपार प्रसन्नता महसूस हुई। रात हो जाने पर तीनों ने जंगल में ही पड़ाव डाला, सूखी लकड़ियां बटोरी, आग जलाई और कंदमूल से अपनी भूख मिटाई। मुनि सिर्फ पानी पीकर रह गए। अगले दिन वह आश्रम पहुंचे। महर्षि की अनुपस्थिति के कारण राक्षसों ने सारा आश्रम तहस नहस कर दिया था। नए सिरे से महर्षि विश्वामित्र ने यज्ञ का आयोजन किया और राजा दशरथ के दोनों कुमार रात दिन उस अनुष्ठान की निगरानी में जुटे रहे। मारीच और सुबाहु अपनी माँ के मरने से बहुत ही क्रोधित हुए थे। मुनि यज्ञ साधना में लीन हो गए तो इन राक्षसों ने उपद्रव मचाना शुरू किया, लेकिन उनके सारे मनोरथ राम और लक्ष्मण ने खंडित कर दिए। यज्ञ में विघ्न पहुंचाने वाले सभी राक्षस इन दोनों राजकुमारों ने एक एक कर मार डाले। मारीच घायल होकर भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार विश्वामित्र ने अपना संकल्पित यज्ञ पूरा किया। अंत में राम और लक्ष्मण को बधाई दी
और आशीर्वाद दिया। दूसरा प्रसंग, महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण मिथिला की ओर चल पड़े। मिथिला के राजा जनक के बारे में अनेक कथाएं इन राजकुमारों को मालूम हुई थी। विश्वामित्र के साथ वहां चलने की बात सुनकर वह प्रसन्न हुए, मगध का भ्रमण किया। उसके बाद गंगा पार कर वह गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां विश्वामित्र ने राम को एकांत में बुलाकर कहा कि बेटा, पत्थर में जान डालनी होगी। विश्वामित्र ने अहिल्या का सारा प्रसंग राम को बताया। गौतम मुनि का आश्रम खूबसूरत पेड़ों से सजा हुआ था। उन्होंने अपने हाथों से पानी देकर आम के पेड़ों को पाला पोसा था। आसपास के अनेक जीव जंतु इस तपोवन से तरह तरह के लाभ उठाते थे। इसी बाग के एक और बरगद का एक वृक्ष था, उसी के नीचे पथराई स्थिति में आधेड़ उम्र वाला मानवीय ढांचा उपेक्षित पड़ा था। विश्वामित्र का संकेत पाकर राम और लक्ष्मण दोनों पाषाणी की परिचर्या में जुट गए। तलवे से लेकर माथे तक रामचंद्र जी ने उस पर हाथ फेरा। थोड़ी देर बाद उस पाषाणी में चेतना का संचार हुआ। उसके होठ फड़कने लगे, गड्ढे में धसी आंखों में टिमटिमाहट पैदा हुई, सूखी पथराई सी नसों में स्पंदन लक्षित होने लगा। इस सफलता पर राम को बहुत खुशी हुई। विश्वामित्र आए और उन्होंने देखा कि अहल्या सचेत हो गई है। विश्वामित्र ने राम की पीठ थपथपाई, राम की गर्दन झुक गई, लक्ष्मण का माथा गर्व से ऊपर उठा। महर्षि विश्वामित्र और राम के आने का समाचार सारी मिथिला नगरी में फैल गया। राजा जनक द्वारा विश्वामित्र का स्वागत किया गया। राजा जनक के मुख से ही सीता के स्वयंवर के समारोह की बात उन्हें मालूम हुई। विश्वामित्र को विश्वास था कि सीता के लिए योग्य पति रामचंद्र ही हो सकते हैं। सीता की उत्पत्ति अनूठे ढंग से हुई थी। जनक वंश के राजा हल जोतते समय खेत में एक घड़ा मिला, जो कि खेत में दबा पड़ा था। एकाएक हल के फाल की नोक से वह घड़ा टकरा गया। राजा ने बड़ी सावधानी से उसे धरती से बाहर निकाला। इसी घड़े से उन्हें सीता की प्राप्ति हुई। सीता छोटी उम्र में भी शिवजी का भारी भरकम धनुष उठा लेती थी। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि कोई इस धनुष पर डोरी चढ़ा देगा, उसी के साथ वह सीता का ब्याह रचाएंगे। अनेक युगों से शिवजी का धनुष मिथिला की राजधानी में पड़ा हुआ था। सीता के लिए योग्य वर की चिंता से जनक परेशान थे। सीता के लिए देश विदेश के अनेक राजाओं के संदेश उन तक आए थे। यहां तक कि लंका का राजा रावण भी सीता के लिए अपनी अभिलाषा प्रकट कर चुका था। अंत में जनक ने निश्चय कर लिया कि वे उसकी बेटी का ब्याह, जो उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण करेगा, उसी के साथ कर देंगे। इसी अवसर पर विश्वामित्र अवध के दो राजकुमारों के साथ मिथिला की सीमा में प्रविष्ट हुए। राजा जनक, उनके मंत्री और राज दरबार के लोगों ने राम और लक्ष्मण को देखा तो वे भी काफी प्रभावित हो चुके थे। उनकी बहादुरी के अनेक किस्से उन तक पहुंच चुके थे। उधर स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। सीता प्रतिदिन प्रातःकाल गौरी की पूजा करने बाहर निकलती थी। राम ने कई बार सीता को गौरी की पूजा में लवलीन पाया था। उनमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा हो गया था, एक श्यामल किशोर तो दूसरी कंचन लता। ऐसे में सभी लोग हृदय से चाहने लगे कि कुमार रामचंद्र ही राजा की प्रतिज्ञा पूरी करे। स्वयंवर के लिए देश देशांतर के राजा और राजकुमार एकत्र हुए थे। प्रत्येक राजा राजकुमार उस धनुष को उठाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन यह बड़ा कठिन काम था। सभी कोशिश करके थक गए। विश्वामित्र ने अवसर देखकर राम से आदेश दिया। रामचंद्र उठे, मुनि के पैरों को छुआ और धनुष को हाथ लगाया। उसे गौर से देखा और फिर उठाने की कोशिश की। सिंह जिस तरह जंगली हाथी पर झपट्टा मारने के लिए अपनी सारी शक्ति को केंद्रित करता है, उसी प्रकार रामचंद्र ने अपना समूचा बल, सारी क्षमता बटोर कर धनुष को उठाया। लेकिन धनुष पर डोरी चढ़ाने से पहले ही धनुष खंड खंड हो गया। राजा जनक खुशी के मारे पागल हो गए और राज सिंहासन से उतरकर राम को कसकर अपनी बाहों में ले लिया।
धूमधाम से सीता का पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, जिसके लिए राजा दशरथ को भी आमंत्रित किया गया। अब देखते हैं तीसरा प्रसंग। नंदग्राम में भरत राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। राम को देखते ही वे उनके पैरों में गिर पड़े। राम ने भरत को उठाकर गले लगाया। भरत ने सीता को प्रणाम किया। सारे नागरिक प्रसन्न हो गए। राम, लक्ष्मण और सीता ने 14 साल वनवास में बिताए थे। रथ पर चढ़कर सभी अयोध्या की ओर आए। रास्ते में नागरिकों ने उनका खूब स्वागत किया। अपनी प्रजा की प्रीति देखकर रामचंद्र प्रसन्न हो गए। रथ रोक रोक कर वृद्धों का आशीर्वाद देने लगे। रथ राजमहल के निकट पहुंचा। महामुनि वशिष्ठ ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राम ने गुरु की चरण धूली माथे पर लगाई। लक्ष्मण और सीता ने भी सबको प्रणाम किया। तीनों ने तापसी वेश धारण कर राजसी रूप धारण किया। शुभ मुहूर्त देखकर रामचंद्र का अभिषेक संपन्न हुआ। सिंहासन पर सीता और राम को बिठाया गया। इस पवित्र अवसर पर सुग्रीव, हनुमान और विभीषण भी पधारे थे। रामचंद्र भी एक आदमी थे और प्रजा की आलोचना से वह नहीं बचे। लोग कभी कभार राम की टीका टिप्पणी करते थे। एक दूत ने एक धोबी द्वारा की गई टिप्पणी रामचंद्र जी को बताई। वह टिप्पणी रामचंद्र ने सुनी, जिसमें धोबी अपनी धोबीन से कह रहा था कि वह राम नहीं है, कि दूसरे के घर में रहकर आई हुई औरत को फिर रख ले। इस बात को सुनकर राम का सिर झुका। वे चिंता में मग्न हो गए। वह मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अपना कुल न कलंकित हो, इस बात का वे सदैव ध्यान रखते थे। इस टिप्पणी को लेकर रामचंद्र जी ने सीता का परित्याग करने का निश्चय किया। उन्होंने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि वे सीता को तमसा नदी किनारे छोड़ाए। लक्ष्मण सीता को वन की ओर ले चले। सीता गर्भिणी थी। लक्ष्मण का कलेजा फटा जा रहा था, परंतु भाई की आज्ञा उन्हें माननी थी। रघुकुल की रीति है, इसे नहीं तोड़ेंगे। इस समाचार को सुनकर सारा नगर शोक में डूब गया। सारी प्रजा धोबी को गालियां देने लगी, लेकिन रामचंद्र के आदेश के कारण कोई धोबी को कुछ ना कह सका। स्वयं राम जी इससे बहुत दुखी थे। स्वयं अग्नि ने राम के समक्ष सीता की पवित्रता का प्रमाण पेश किया था, लेकिन ऐसे मौके पर राम भी बिल्कुल निरुपाय हो गए थे। प्रजा को प्रसन्न रखना राम के लिए सबसे महान आदर्श था। प्रजा के आगे राम को सीता की परवाह नहीं थी। महर्षि वाल्मीकि का हृदय द्रवित हुआ। वे सीता को अपने आश्रम में ले गए। अपनी कन्या की भांति मुनि ने सीता की देखरेख की। कुछ दिनों बाद सीता को 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। वाल्मीकि ने उनका नामकरण किया लव और कुश। दोनों बच्चे वहीं पर बड़े हो गए। वाल्मीकि ने बच्चों को अपना काव्य कंठस्थ करा दिया। दोनों बटुक मिलकर रामायण गाने लगे। तब सारे पशु पक्षी मुग्ध होकर सुनने लगे। बच्चे बड़े हो गए। मुनि ने उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण किया। एक दिन दोनों कुमारों ने एक सजा सजाया सुंदर घोड़ा देखा। वह बिना सवार का था, जिसके पीछे अनेक अस्त्र शस्त्र से सज्जित सैनिक चल रहे थे। ऐसे घोड़े को दोनों कुमारों ने आज तक नहीं देखा था। वे उस घोड़े को पकड़ लाए और आश्रम में बांध दिया। सैनिकों ने घोड़े को छीनना चाहा, परंतु बहादुर कुमारों के आगे उनकी एक न चली। अश्वमेध का घोड़ा था, उसके पीछे राज्य की समूची शक्ति थी। लव और कुश लोगों को रामायण सुनाते रहे। ताड़कावध, अहिल्या उद्धार, धनुष भंग, अभिषेक की तैयारी, वनगमन, पंचवटी में सीता हरण, सुग्रीव मैत्री, हनुमान लंघन, अशोक वाटिका में सीता, राम रावण युद्ध, प्रत्यावर्तन, अयोध्या में अभिषेक और सीता का वनवास। इस कविता को सुनकर सारे अयोध्यावासी मुग्ध हो गए। राम ने उनका परिचय जानना चाहा। 2 युवकों ने बताया उनकी माता का नाम सीता है। राम ने दोनों को अपनी ओर खींचकर छाती से लगा लिया। सारा समाचार बिजली की भांति अयोध्या में फैल गया। लव और कुश को देखने के लिए सारा नगर उमड़ पड़ा। वाल्मीकि सीता को लेकर आए।
सारी सभा ने सीता का स्वागत किया। उनके अभाव में अयोध्या का सिंहासन पूर्ण नहीं होगा, परंतु कुछ लोगों ने चुप्पी साध ली थी। राम और सीता दोनों ने इस बात को ताड़ लिया। सीता का हृदय व्यथा से भर गया। उनके मुंह से निकला, माता धरती तुम फट जाओ, मैं तुम में समा जाऊं। देखते ही देखते सीता के पैरों के नीचे की धरती में दरार पड़ गई और वह उसमें समा गई। लवकुश माँ माँ कहकर रोने लगे। रामचंद्र सौख्या शून्य होकर सिंहासन पर लुढ़क गए। सारी प्रजा, लक्ष्मण, सारे मुनिजन व्यथित हो गए। प्रजा में हाहाकार मच गया। इस प्रकार भूमिजा के तीन प्रसंगों के माध्यम से रामचरित्र को परखने की कोशिश की है। छात्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। यह था भूमिजा पर आधारित कथा प्रसंग। अगले वीडियो में हम भूमिजा पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखने वाले हैं। यह दूसरा वीडियो देखना न भूले। इस चैनल पर हिंदी भाषा और साहित्य की वीडियो अपलोड किए जाएंगे। अभी तक जिन छात्रों ने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे इसे सब्सक्राइब करना न भूलें।